हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो कई सारे कैंडिडेट्स की ये समस्या थी कि हमारा मोबाइल नंबर पुराना किसी कारण से बंद हो गया है और अब वर्तमान में एक नया नंबर संशोधित करके उसमें जुड़वाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से OTP प्राप्त करके और फॉर्म को पूरा भरा जा सके। तो उसके संबंध में आज एक सूचना जारी हुई है, और सूचना क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, आपको करना जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक नीचे एक चीज़ दिख रही होगी, किसी भी समस्या या समाधान के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें। यहाँ आपको एक मेल दिख रही होगी, atr69000@yahoo.com। तो उसमें आपको करना क्या है कि इस जो ये मेल आईडी है, इसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी भेजनी है। मेल करनी है, जानकारी क्या भेजनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको इसमें भेजना है अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद अपनी जन्मतिथि और पुराना मोबाइल नंबर, यानी कि उसके बंद होने का कारण आपको सिंपली लिखना है। उसके बाद आप जो नया नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, यानी कि जिस पर आप OTP प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस नंबर को इसमें मेंशन करना होगा। ये सारी जानकारी मांगी गई है। ये जानकारी आपको ऑफिशियल नहीं दिखेगी, लेकिन जो लोग PNP गए हैं या जिन सूत्रों से ये सूचना प्राप्त हुई है, तो उनसे ये बेसिक जानकारी वहीं मांगी गई है। तो उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि आप इस मेल आईडी पर अपनी ये चीज़ भेज दीजिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद किस प्रकार नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, किस प्रकार संशोधित होगा, ये आगे की चीज़ें हैं, लेकिन वर्तमान में जो आपके लिए है वो यही है कि आप इस पर जब अपनी जानकारी साझा कर देंगे, तो इसके बाद इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आपका जल्द ही आपका एक या दो दिन के अंदर आपका नंबर संशोधित कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आप सभी साथियों तक साझा अवश्य कर दें, जिससे जो भी अभ्यर्थी परेशान हैं और इस परेशानी से निजात पा सकें। दूसरी एक चीज़ जो बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है, पूरे सोशल मीडिया पर इस प्रकार का माहौल बन गया है कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया है। तो मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। आप लोग नंबर संशोधित करके अपना फॉर्म आसानी के साथ भर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। और जिसने भी यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो सकें। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।